खास वजह से माधुरी इक्कीस साल बाद संजय संग कर रही हैं काम। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित नेने की जोड़ी एक समय पर बॉलीवुड में काफी मशहूर रही है। दोनों ने साजन, खलनायक जैसी फिल्में साथ की हैं। अब 21 साल बाद ये जोड़ी फिर एक बार फिर स्क्रीन शेयर कर रही है। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की आखिरी फिल्म महानता थी, जो कि 1997 में रिलीज हुई थी। इससे पहले संजय दत्त की 1993 के बम ब्लास्ट में गिरफ्तारी होने के बाद दोनों ने कोई फिल्म नहीं की थी। अब इस जोड़ी को करण जौहर की फिल्म कलंक में फिर साथ काम करने का मौका मिल रहा है। 21 साल बाद संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रही है, लेकिन दोनों के साथ काम करने के पीछे खास वजह है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय दत्त के साथ काम करने के लिए माधुरी ने इसलिए हाँ बोली है क्योंकि उनका संजय दत्त के साथ कोई भी सीन फिल्म में नहीं है। माधुरी ने फिल्म साइन करने से पहले मेकर्स से ये डिमांड की थी। मेकर्स ने भी फिल्म की कहानी माधुरी की इसी डिमांड को ध्यान में रखकर लिखी है। आपको बता दें कि पहले माधुरी का रोल श्रीदेवी निभाने वाली थी। 90 के दशक में माधुरी और संजय दत्त ने साजन, खलनायक और थानेदार जैसी फिल्मों में साथ काम किया था। दोनों के अफेयर ने एक वक्त काफी सुर्खियां बटोरी थी। खबरें ये भी आई थी कि जल्द दोनों शादी करेंगे। इस दौरान संजय दत्त को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। संजय पूरे 16 महीने जेल में रहे। संजय दत्त जब मुश्किल के दौर से गुजर रहे थे तब माधुरी ने उनका साथ छोड़ दिया। माधुरी संजय से एक बार भी मिलने जेल नहीं आई। जेल से निकलने के बाद माधुरी से संजय दत्त ने किनारा कर लिया। कलंक फिल्म को करण जौहर, साजिद नाडियाडवाला और फॉक्स स्टार स्टूडियोज मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म दो स्टेट्स के डायरेक्टर अभिषेक बर्मन इस फिल्म के निर्देशक हैं। ये 1940 के बैकड्रॉप पर सजी एक एपिक ड्रामा फिल्म है।